Good morning, class 4. How are you all? Hope you all are feeling fine. So students, today I am with a new chapter, chapter 14. New and last chapter of your EVS book, okay? This is your last chapter. Chapter 14, Jumping Waste. Okay? So in this chapter, we are going to learn about types of waste, like biodegradable waste and non-biodegradable waste, rural and urban waste. Disposal of garbage, disposal of liquid waste, managing waste materials. Managing waste materials is the concept of 5R. Okay, that means refuse, reduce, reuse, recycle, and replace. Then waste collectors and spreading awareness. So let's start. Sorry. Waste is anything that we do not need anymore and throw away. So waste, dumping waste chapter में, इस chapter में आप लोग समझ ही रहे हैं कि waste material के बारे में हमें पढ़ने हैं, okay? तो waste किसको कहेंगे हम लोग कि ये waste है? Waste उसको कहेंगे जो कि और हमें हमारी जरूरत का चीज नहीं है, okay? जो हमारी जरूरत खत्म हो जाता है तो इधर उधर फेंक देते हैं, ऐसे चीज को हम लोग वेस्ट कहते हैं. यूज्ड एंड डिस्कार्डेड पेपर, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, लेफ्ट ओवर फूड, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास एंड वुडन ऑब्जेक्ट्स, क्लोथ्स एंड मेनी अदर आइटम्स दैट वी डू नॉट नीड एनी लॉन्गर आर वेस्ट. तो आप समझ गए हैं कि जो हम यूज और नहीं करते हैं, जिसका जरूरत खत्म हो चुका है, इस तरह की चीजों को हम लोग वेस्ट मटेरियल कहते हैं. जैसे कि न्यूज़पेपर, एक दिन आया, उसको पढ़ लिए, अगले दिन उसकी जरूरत नहीं होता है, तो उसको दूसरे पर्पस में यूज कर लेते हैं, कोई कोई फेंक देते हैं, ओके? फिर प्लास्टिक, ग्लास, बहुत सारी चीजें इस तरह की डेली लाइफ में हमारे सामने आता है जो हमारी जरूरत का नहीं होता है. उसके आगे उस चीज का जरूरत हमें नहीं पड़ता है, तो उसको हम लोग फेंक देते हैं एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, राइट? लुक एट द गार्बेज बिन्स इन योर किचन एंड अदर रूम्स, यू विल फाइंड देम फिल्ड विद different types of waste material that are guaranteed in the generated in the house. तो आपके किचन में अगर डस्टबिन रखा हुआ है, तो उस किचन का डस्टबिन और दूसरे रूम में जो डस्टबिन रखा हुआ है उसको चेक कीजिए. उसको अगर आप चेक करेंगे तो उसमें अलग अलग तरह की गार्बेज आपको वेस्ट मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, ओके? जो कि आपके घर से ही वो जनरेट हुआ वो वेस्ट मटेरियल. If one house generates so much of waste, imagine how much waste would be generated by millions of houses in our country. तो आपके घर में से एक दिन में अगर इतना सारा वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो आप सोच लीजिए कि हमारे कंट्री में मिलियंस ऑफ हाउसेस है, और सारे हाउसेस में कितने सारे वेस्ट बनता होगा एक दिन में. So now types of waste. There are two types of waste. The one is biodegradable waste and the second one is non-biodegradable waste. Okay? तो biodegradable waste किसको कहते हैं? Biodegradable waste is the waste that can rot and is finally broken down into small pieces and mixed with soil. तो biodegradable waste हम लोग उसको कहेंगे जो कि सड़ जाता है और स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट में बांट के वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है? सिंपली कोई भी चीज अगर सड़ के मिट्टी के साथ मिल जाए, इस तरह की वेस्ट को हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सच वेस्ट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो इस तरह की जो वेस्ट है, ये प्लांट्स और एनिमल्स से आता है. फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, ड्राइड फ्लावर्स, लीव्स, पेपर, वुड, शेविंग एंड leftover food are all biodegradable waste. तो जैसे कि आपने देखे कि plants और animals के body से जो बनता है वो ही biodegradable waste है. तो fruit, vegetable का peel, जो छिलका होता है, ये सारे biodegradable waste होता है. आप खाना खाते खाते जो बच गया वो biodegradable waste है, okay? तो जो waste आसानी से मिट्टी के साथ मिल जाता है पूरी तरह से, उसको हम लोग biodegradable वेस्ट कहते हैं. नेक्स्ट,
non-biodegradable waste. Solid waste that neither rots nor mixes with soil is non-biodegradable waste. तो कुछ सॉलिड वेस्ट ऐसा होता है जो कि ना ही सॉइल के साथ मिलता है ना ही सड़ता है. ओके, तो इस तरह की वेस्ट को हम लोग कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इसमें आता है प्लास्टिक बैग्स, पैकिंग मटेरियल्स, ग्लास बॉटल्स, मेटल कैंस, एल्यूमिनियम फॉइल, इलेक्ट्रिकल वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो ये सारे वेस्ट जो है, खासकर प्लास्टिक जो है, ग्लासेस जो है, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. सच वेस्ट इज हार्मफुल टू आवर एनवायरनमेंट. तो इस तरह की जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है. ओके, नेक्स्ट देखो, मोर टू नो, द सोपी वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स और बाथिंग इज लिक्विड वेस्ट. तो जो सोपी वाटर होता है, यानी कि आप साबुन से अच्छे से नहाए या फिर कपड़ा वगैरह धोए साबुन से, तो वो जो वाटर जो होता है साबुन मिक्स होके, वो वाटर जो है वो एक तरह की लिक्विड वेस्ट है. ओके, नेक्स्ट रूरल एंड अर्बन वेस्ट. अब रूरल एंड अर्बन वेस्ट क्या होता है, पीपल इन विलेजेस हैव अ सिंपल लाइफस्टाइल एज कंपेयर टू दैट ऑफ अर्बन सिटीजंस. तो जो विलेज में रहने वाले लोग हैं और जो टाउन में रहने वाले लोग हैं, ये दोनों के जो लाइफस्टाइल है इसमें बहुत अंतर होता है. दे यूजुअली यूज नेचुरल प्रोडक्ट्स, सो दे मोस्टली जनरेट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ओके, तो ये जो रूरल एरिया के लोग होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं. तो ये नेचुरल प्रोडक्ट्स जो होता है, ये बेसिकली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है. दे ऑल्सो यूज मेनी थिंग्स, सो देयर वेस्ट इज मच लेस. इसके अलावा ये लोग एक चीजों को बार बार यूज करते हैं, ठीक है, तो इसलिए इन लोगों का वेस्ट जो होता है वो काफी कम होता है. पीपल इन सिटीज प्रोड्यूस मोर वेस्ट देन दोज इन विलेजेस. तो सिटी में रहने वाले जो लोग हैं, वो विलेज के रहने वाले लोगों के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं. ओके, अर्बन वेस्ट has higher non-biodegradable components as compared to rural waste. तो urban waste जो होता है उसमें non-biodegradable चीजें बहुत ज्यादा amount का रहता है. अगर आप गांव के लोगों के साथ compare करो, गांव का जो waste product है उसके साथ compare करो, तो गांव का waste product काफी कम होता है और उसके साथ साथ ये biodegradable भी होता है, यानी कि आसानी से soil के साथ mix हो जाता है, सड़ के soil के साथ मिल जाता है. ओके, लेकिन जो अर्बन एरिया का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो एक तो बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है और उसके साथ साथ उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा रहता है. ओके, सो नेक्स्ट, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज. इफ वी थ्रो गार्बेज अराउंड आवर हाउस, इट विल स्टार्ट टू रोट एंड इमिट फाउल स्मेल. तो गार्बेज जो है वो अगर हमारे घर के आसपास में कहीं पे फेंकते हैं, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे सड़ने लगेगा और खराब स्मेल आपके घर में आएगा. गार्बेज फ्रॉम होम्स शुड बी थ्रोन इन द नियरेस्ट म्यूनिसिपल डंप और प्लेस्ड बाय द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज. तो ये जो गार्बेज है घर से, वो करीबी जो म्यूनिसिपल डंपर है वहां पे फेंका जाता है. ओके, फॉर दिस गार्बेज पिकर्स मे बी हायर्ड बाय इंडिविजुअल्स और बाय द रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस ऑफ इस कॉलोनी. तो इसके लिए गार्बेज पीकर्स, यानी कि जो गार्बेज को ले जाते हैं, ले जाने वाला रखना जरूरी होता है. ये कोई चाहे तो खुद से भी रख लेते हैं और कोई रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जो है उसके तरफ से भी रखा जाता है एक एक कॉलोनी में. ओके, द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज आर गवर्नमेंट एजेंसीज responsible for maintaining cleanliness, hygiene and other facilities in urban areas. तो municipal authority जो होता है या फिर जो government agencies होता है वो responsible रहते हैं urban area में, यानी कि town में government के ऊपर responsibility रहता है कि वो city कितना clean है, कितना hygiene है, कितना क्या है. okay, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है. From each dumper, the garbage is taken to places
कॉल्ड लैंडफिल साइट्स आउटसाइड द सिटी। तो ये जो डंपर होता है, हर एक डंपर से क्या किया जाता है, ये जो गार्बेज है उसको लैंडफिल साइट में ले जाया जाता है, यानी कि शहर से काफी दूर कहीं पे, मान लो बड़ा सा गड्ढा है उसको फिल करना है, तो उस जगह पे ले जाके ये सारे वेस्ट को गिराया जाता है। Here the garbage is dumped into a huge hole in the ground and left to rot the decay. तो इसके बाद इसको डंप किया जाता है और बहुत सारे होल रखा जाता है ग्राउंड में, ओके, ताकि वहां से एयर पास हो और अच्छे से वो सड़ जाए और मिट्टी के साथ मिल जाए। To make way for more garbage, the garbage is pressed down by bulldozers. तो ज्यादा से ज्यादा गार्बेज उसमें आ जाए इसलिए क्या करते हैं, बुलडोजर से उसको प्रेस किया जाता है। वंस द लैंडफिल इज फुल, इट इज कवर्ड विद सॉइल एंड अ न्यू लैंडफिल साइट मस्ट बी प्रिपेयर्ड। तो एक बार अगर ये जगह भर जाता है, ये लैंडफिल एरिया जो है, तो उसके ऊपर से मिट्टी पूरा भर दिया जाता है, ओके, और ऐसा दूसरा एक जगह ढूंढ के वहां पे फर्दर जो गार्बेज है उसको डिस्पोज किया जाता है। Next, disposal of liquid waste. The liquid waste from your kitchen sink and your toilet goes through drain pipes into the underground sewage system. तो जो वेस्ट है आपके किचन के, आपके वॉशरूम टॉयलेट के, तो वो क्या होता है कि एक ड्रेन पाइप्स के थ्रू वो चला जाता है सीधा अंडरग्राउंड सेवेज सिस्टम में, ओके। यू मस्ट हैव सीन कंक्रीट manhole covers on pavements around your house. तो आप concrete क्या हुआ, manhole cover आप देखे होंगे आपके घर के आसपास में। These are the entrance and exit of underground sewer pipes through which workers can go into pipeline and clean up choked pipes. तो ये जो है, ये underground में से जो pipe गया है वहां पे जाने का ये एक रास्ता होता है, ये जो manhole होता है, ओके। तो बेसिकली गांव में ये सब नहीं दिखाई देता है, ये आप टाउन में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, मैनहोल रहता है उसमें से इंसान अंदर जाते, कहीं पे अगर कुछ पाइप के अंदर कुछ फंस गया है तो उसको निकालने के लिए जाते हैं और वो साफ भी करते हैं उस तरह से। सेवेज पाइपलाइंस ओपन इनटू सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वेयर हार्मफुल मटेरियल्स एंड सॉलिड्स आर रिमूव्ड एंड वाटर इज रिलीज्ड इनटू रिवर्स। तो ये जो स्वेप पाइपलाइन से, ये स्वेप ट्रीटमेंट प्लांट में इसको ओपन किया जाता है ये पाइपलाइन को, ओके, ओपन करके वहां से जो हार्मफुल मटेरियल्स और सॉलिड मटेरियल्स जो है उसको अलग किया जाता है और वाटर को रिवर में रिलीज कर दिया जाता है, ओके। हाउएवर इफ सोवेज प्लांट्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, सोवेज गेट्स डायरेक्टली पम्प्ड इनटू द रिवर्स ड्यू टू व्हिच वाटर गेट्स पोल्यूटेड। तो ये जो सोवेज ट्रीटमेंट सेंटर है, यहाँ से अगर ट्रीटमेंट प्रॉपरली ना किया जाए तो वो पोल्यूटेड वाटर क्या होता है कि सीधा रिवर में चला जाता है, रिवर का जो वाटर है उसको पोल्यूट कर देता है। लिक्विड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज कॉन्टेन हार्मफुल केमिकल्स। तो फैक्ट्री और इंडस्ट्री में जो हार्मफुल केमिकल यूज होता है, जो केमिकल्स वगैरह यूज होता है वो काफी हार्मफुल होता है। इंडस्ट्रीज आर सपोज टू ट्रीट देयर केमिकल वेस्ट बिफोर रिलीजिंग इट इनटू रिवर्स बट मेनी ऑफ देम जस्ट डंप इट डायरेक्टली इनटू रिवर्स दस पोल्यूटिंग रिवर वाटर। तो ये जो हार्मफुल केमिकल होता है ये एज ए वेस्ट को क्या करते हैं, बाहर निकल देते, रिवर में छोड़ देते वो वाटर को, लेकिन इसको पहले ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए उन लोगों को, ओके। वो जब रिलीज कर रहे हैं इस वाटर को, जब डंप कर रहे हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, डंप करने के पहले उसको ट्रीटमेंट करके उसको डंप करना चाहिए, तो इससे वाटर जो है पॉल्यूशन नहीं होता है। और अगर डायरेक्टली इस तरह से रिवर को रिवर में छोड़ देते हैं तो रिवर का जो वाटर है उसको भी पॉल्यूट कर देता है, ओके। नेक्स्ट, मैनेजिंग वेस्ट मटेरियल्स। जनरेटिंग सो मच वेस्ट एंड नॉट डिस्पोजिंग इट प्रॉपरली मीन्स वी आर स्लोली किलिंग आवर प्लानिट। तो अगर वेस्ट हम लोग इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतना ज्यादा वेस्ट हम लोग बना रहे हैं और उसको अगर प्रॉपर तरीके से हम लोग डिस्पोज नहीं करें, तो इसका मतलब क्या है कि डेली बेसिस पे हम
वेस्ट प्रोडक्ट को बढ़ाते जा रहे हैं, प्रॉपरली डिस्पोज नहीं कर रहे हैं उसको, तो धीरे धीरे हम हमारे अर्थ को खत्म करते जा रहे हैं. ओके, द फाइव आर्स हेल्प अस कंट्रोल द जनरेटिंग ऑफ वेस्ट. तो फाइव आर्स, आर का पांच, यहाँ पे फाइव आर एक रूल्स है जिसको अगर आप लोग फॉलो करें तो ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कम हो सकता है, अभी भी अर्थ को हम लोग बचा सकते हैं. तो क्या है ये फाइव आर? नंबर वन रिफ्यूज, नंबर टू रिड्यूज, नंबर थ्री रीयूज, नंबर फोर रिसाइकल एंड नंबर फाइव रिप्लेस. नाउ व्हाट इज रिफ्यूज? यू शुड रिफ्यूज नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स. रिफ्यूज मीन्स माना कर देना, इस्तेमाल मतलब ना करना, एग्री ना होना. तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें है उसको आपको यूज नहीं करने हैं. ओके, व्हेनेवर यू गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स और एनीथिंग एल्स एंड द शॉपकीपर पैक्स देम इन अ प्लास्टिक बैग, यू शुड रिफ्यूज टू टेक द प्लास्टिक बैग एंड ट्रांसफर द आइटम इन योर ओन क्लोथ बैग. तो अब रिफ्यूज किस तरह से करोगे? मान लो आप सब्जी खरीदने के लिए दुकान में गए हैं कि 1 kg पोटैटो आपको चाहिए. आप 1 kg पोटैटो लिए तो दुकानदार ने क्या करना है, वो प्लास्टिक में उसको बांध के देंगे. तो उस टाइम आपको मना करना है कि नहीं, हम प्लास्टिक में नहीं लेंगे. उस टाइम आप अपना क्लोथ बैग निकाल के उसमें आप उस पोटैटो को ला सकते हो. तो यहाँ पे प्लास्टिक जो है आप आपके घर पे नहीं लाए, यानी कि आपके घर में एक प्लास्टिक वेस्ट कम हुआ उस दिन. ओके, तो इस तरह से आपको रिफ्यूज करने हैं. देन रिड्यूस, यू कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द जनरेशन ऑफ वेस्ट बाय बाइंग ओनली एज मच एज यू नीड. तो रिड्यूस यानी कि कम करना. ओके, कम आप कर सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट जो है, वेस्ट जो जनरेट होता है उसको भी आप कम कर सकते हैं. किस तरह से? आपको जितना चाहिए बस उतना ही आपको खरीदने हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बाय वेजिटेबल्स इन एक्सेस दे मे गो बैड एंड एड टू गार्बेज. जैसे कि आप अगर आपको हाफ केजी टोमेटो चाहिए, आप 1 kg टोमेटो ले लिए, तो 2-3 दिन बाद क्या होगा, वो टोमेटो जो है वो सड़ जाएगा, तो उसको आप गार्बेज में डाल दोगे. तो उस टाइम पे अगर आप आधा केजी ही टोमेटो लेते तो क्या होता, नहीं सड़ता ना, तो गार्बेज ज्यादा प्रोड्यूस होता नहीं होता. तो इस तरह से आपको जितना चाहिए जो चीज है बस उतना ही लेने हैं, ज्यादा नहीं. सो बाय ओनली एज मच एज यू रिक्वायर, रिड्यूस द यूज ऑफ थिंग्स दैट मे ऐड टू वेस्ट. तो जो चीज वेस्ट में जा सकता है इस तरह की चीजें कम करने हैं यूज. ऑल्सो मिनिमाइज द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स लाइक फॉयल ग्लास एंड टिन. तो इसके साथ साथ नॉन बायोडिग्रेडेबल जो चीजें हैं उसको कम से कम यूज करने हैं. देन रीयूज, यूजिंग समथिंग मोर देन वंस इज कॉल्ड रीयूजिंग. तो कोई एक चीज एक से अधिक बार यूज करना जो प्रोसेस है इसको रीयूजिंग कहा जाता है. ओके, यू कैन रीयूज ओल्ड क्लोथ्स, टॉयज, बुक्स एटसेट्रा. जैसे कि आप अपना आपका पुराना क्लोथ्स जो है, टॉयज, बुक्स, ये सारी चीजें आप रीयूज कर सकते हैं. किस तरह से? बाय शेयरिंग देम विद योर फ्रेंड्स, नेबर्स एंड रिलेटिव्स. तो ये सारी चीजें आपके लिए पुराना हो गया या आपके लिए यूजलेस है, आप दूसरे को प्रोवाइड कर सकते हो ये चीज. ओके, जैसे कि आप अभी क्लास 4 में पढ़ रहे हो, आप क्लास 4 में आप पढ़ रहे हो, आप क्लास 3 में जो पढ़ रहे हो उसको आप अगर आपका बुक्स प्रोवाइड कर दोगे नेक्स्ट ईयर तो वो 4 में आ जाए. तो इस तरह से आप जो है अपना चीजें रीयूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट रिसाइकल. सम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक ग्लास, एल्यूमिनियम, टिन एंड प्लास्टिक्स व्हिच डू नॉट डिकम्पोज इजीली कैन बी रिसाइकल्ड इनटू न्यू फॉर्म्स. Many people now use recycled paper and plastic bags. तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जैसे कि ग्लास, एल्यूमिनियम, टिन, प्लास्टिक, ये सारे तो आसानी से मिट्टी के साथ मिलता नहीं है, सड़ता नहीं है, तो इस तरह की चीजों को रिसाइकल करके एक नया रूप दिया जा सकता है. ओके, तो
मैनी पीपल नाउ यूज रिसाइकल पेपर एंड प्लास्टिक बैग्स. आज के डेट में बहुत लोगों ने रिसाइकल पेपर प्लास्टिक बैग के यूज कर रहे हैं. इनफैक्ट हम लोग भी करते हैं. दुकान में जाते हैं, जो प्लास्टिक पैकेट हमें दे दिया जाता है वो सारे के सारे नया बना हुआ नहीं होता है. एक बार शायद पहले दूसरा कुछ था, उसको फिर से प्लास्टिक पैकेट बनाया गया है. ओके, तो इस तरह से रिसाइकल किया जा सकता है. नेक्स्ट, रिप्लेस. रिप्लेस नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक बैग्स, ग्लास बॉटल्स, एल्यूमिनियम फॉइल, टी कैंस एटसेट्रा विद एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स लाइक जूट बैग्स, क्लोथ बैग्स, पेपर बैग्स एटसेट्रा. तो रिप्लेस करने हैं. रिप्लेस किसके साथ किसको करना है? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है उस तरह के मटेरियल्स को बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स में रिप्लेस कर देने हैं. ओके, जैसे कि आप अगर पहले प्लास्टिक बॉटल यूज कर रहे थे, प्लास्टिक बैग यूज कर रहे थे, तो आज के डेट में आप प्लास्टिक बैग को हटा के आप पेपर बैग या जूट बैग यूज कर सकते हैं. तो प्लास्टिक बैग जो है वो मिट्टी के साथ मिलता नहीं है, लेकिन जो पेपर बैग है, जो जूट बैग है, वो बहुत आसानी से मिट्टी के साथ मिल जाता है. ओके, तो इस तरह से आपको रिप्लेस करने हैं. रिप्लेसिंग सच ऑब्जेक्ट्स विद रिसाइकल मटेरियल्स ग्रेटली हेल्प्स इन वेस्ट मैनेजमेंट. तो ये जो रिप्लेस है, ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने का जो तरीका है, ये वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. ओके, सो रिमेंबर दिस 5 R: रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिप्लेस. ओके, देन वेस्ट कलेक्टर्स. एज यू नो दैट फ्रॉम आवर होम्स डेली गार्बेज इज टेकन टू द मेन वेस्ट कलेक्शन सेंटर इन द सिटी वेयर इट इज एम्प्टीड इन द गार्बेज डंप. तो जैसे कि आप सब भी जानते हो कि हमारे घर का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो पहले वेस्ट कलेक्शन सेंटर में ले जाया जाता है ना, उसके बाद उसको गार्बेज डंप करने के लिए भेजा जाता है. तो यहाँ पे ये गांव में नहीं होता होगा, लेकिन अर्बन एरियाज में ऐसे ही होता है. अदर वेस्ट लाइक ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बॉटल्स, टीन्स एटसेट्रा कलेक्टेड फॉर्टनाइटली और मंथली बाय वेस्ट कलेक्टर्स और कबड्डी वालेस. तो ये तो होता होगा कि दूसरा वेस्ट जो है, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सारे मंथली कलेक्ट करने के लिए लोग आ जाते हैं, गांव में खरीदने के लिए आ जाते हैं ना, वो जो आप कबड्डी वाले कहते हैं वो आते हैं ये सारे ले जाने के लिए. दे greatly help in recycling. तो वो लोग ये लेके क्या करते पता है? Recycling के लिए डाल देते हैं. They buy old newspaper and magazines from us, which are recycled to make recycled paper or carry bags. तो ये चीजें ले जाते हैं वो लोग, ले जाके उसको recycle करके carry bag बनाते हैं या recycled paper बना देते हैं. They also buy non-biodegradable waste like plastic, metal and glass containers and take them to factories where they are melted and made into different recycled things. तो ये तो biodegradable में ये चीजें वो लोग ले जाते हैं. इसके अलावा non biodegradable में क्या करते हैं लोग? Plastic, metal, glass, ये सारी चीजें भी ले जाते हैं हम लोगों से खरीद के. तो ले जाके क्या करता है? ले जाके डायरेक्टली फैक्ट्री में देता है और फैक्ट्री से वो फिर रिसाइकल होके आता है. तो ये जो वेस्ट कलेक्टर से ये कितना हेल्प करता है समझ में आ रहा है? एक तो आपको पैसा भी दे रहा है, आपको पैसा भी दे रहा है उस चीज का, और फिर उसको ले जाके वो फैक्ट्री में दे रहा है तो वो रिसाइकल होके फिर से आ रहा है. ओके, देन स्प्रेडिंग अवेयरनेस. इट इज इंपॉर्टेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज. गार्बेज को प्रॉपर डिस्पोजल होना है, ये चीज के लेके अवेयरनेस फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड मेथड्स ऑफ डिस्पोजिंग देम. तो लोगों को बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए और किस मेथड से इसको डिस्पोज किया जा सकता है ये भी जानना लोगों को जरूरी है. दे शुड बी टॉट टू सेपरेट देयर वेस्ट एंड थ्रो देम इन द राइट डस्टबिन. तो इसके साथ साथ ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल
जो वेस्ट है इसको अलग करना और अलग डस्टबिन में डालना है, इस तरह की शिक्षा भी इन लोगों में होना चाहिए। एट मोस्ट प्लेसेस यू विल फाइंड ओनली टू कलर्स डस्टबिन, ग्रीन फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड ब्लू फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो आप ज्यादातर जगह पे आप जाओगे तो दो तरह के आपको डस्टबिन देखने को मिलता है, एक तो ग्रीन कलर का होता है जिसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट को डाला जाता है, और एक होता है ब्लू कलर का जिसमें कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसको डाला जाता है। तो याद रखना, ग्रीन डस्टबिन कहीं पे आप देख रहे हो यानी कि उसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसी को डालना है, और जो आप ब्लू कलर के देख रहे हो कहीं पे डस्टबिन, तो उस ब्लू कलर के डस्टबिन में सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसी को डालना है। बट इन बिगर सिटीज देयर आर डस्टबिन ऑफ 6 डिफरेंट कलर्स। लेकिन आप बड़े शहर में जाओगे तो वहां पे 6 अलग अलग कलर का डस्टबिन आपको देखने को मिलेगा। द वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन देम एज पर द फॉलोइंग कलर कोड्स। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट आप फेंकने जा रहे हो वो आपको देखना है कि किस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट आप फेंक रहे हो, और कलर कोड के ऊपर डिपेंड करके आपको उसके अंदर डालने हैं। जैसे कि ग्रीन यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट, ओके, देन येलो यानी कि ग्लास वेस्ट, ग्लास का कोई वेस्ट आप डाल रहे हो तो ये येलो वाला में डालने हैं, देन पेपर वेस्ट व्हाइट में, एश कलर में मेटल वेस्ट, देन ब्लू में प्लास्टिक वेस्ट, एंड रेड में हैजर्डस वेस्ट, ओके। तो इतना सारे अलग अलग डस्टबिन होता है बड़े जो सिटीज होता है उसमें, ओके। सो दैट्स ऑल, वी हैव कंप्लीटेड आवर होल बुक ऑफ EVS, ओके, एंड आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दिस पर्टिकुलर चैप्टर, देन लेट मी नो। एंड नाउ यू हैव टू राइट ऑन द हार्ड वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग एंड ट्राई टू सॉल्व द शॉर्ट क्वेश्चन एज, ओके। एंड नेक्स्ट डे वील कंप्लीट द एक्सरसाइज, आफ्टर दैट वील स्टार्ट रिविजन फॉर एनुअल एग्जामिनेशन, ओके।